तो चलिए, जैसे जैसे वक्त ये आगे बढ़ते चला जा रहा है, किस तरह से हमला कर रहा है रूस, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं आपको लगातार, वो हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, तस्वीरों के जरिए, एयर स्ट्राइक जो किया गया रूस की तरफ से, उसके बाद एयरपोर्ट पर किस तरह से हमला किया गया, किस तरह से लगातार ये हमला आगे बढ़ा रहा है रूस। अब एयरबेस पर हमला किया गया, फिर वहां पर कब्जा किया गया, रूस के सैनिक लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बॉर्डर से मिसाइल दागे गए। ये देखिए मिसाइल की तस्वीर, कई लोग इसकी चपेट में आए, लगभग 300 लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। संख्या और भी जैसे जैसे दिन ढलेगा आगे बढ़ती चली जाएगी। पावर प्लांट पर अटैक किया रूस ने, और उसके बाद यूक्रेन में रूसी टैंक आप देख सकते हैं, ये टैंक लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम टैंक की बात करें या बख्तरबंद गाड़ियों की हम बात करें या हम हेलीकॉप्टर की बात करें, जो फाइटर जेट की हम बात करें, ये संख्या के हिसाब से रूस कहीं ज्यादा आगे है यूक्रेन से। देखिए कीव में किस तरह से सन्नाटा है, लोग घरों में कैद हो गए हैं। भारतीय छात्रों से भी हम लगातार बात कर रहे हैं, उनका ये कहना कि हम कई सारे छात्र हैं जो एक जगह पर कीव में हम कैद हो गए हैं, घरों से बाहर ना निकलने की लगातार उनसे अपील की जा रही है। यूक्रेन की सरकार भी ये कह रही है कि आप जहां पर हैं वहीं पर आप रुके रहिए। भारत के भी नागरिकों से अपील ये की जा रही है कि आप जहां पर हैं वहीं ठहर जाइए, क्योंकि ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। यूक्रेन छोड़कर जो लोग भाग रहे हैं, देखिए कार की तस्वीरें, लोगों को जहां पर लग रहा है कि यहां पर हमारी जिंदगी सलामत रह सकती है, लोग उधर की तरफ लोग लगातार अब बढ़ते चले जा रहे हैं। कई जगहों पर जाम जैसे हालात हो गए हैं, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें वहां पर देखी जा रही हैं सड़कों पर। हमले के निशान देखिए, मलबे की तस्वीर, ये निशान बहुत कुछ कहते हैं, ये जख्म बहुत गहरे हैं, लेकिन यूक्रेन इसका जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि सैन्य ताकत उतनी नहीं है यूक्रेन की। पास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एयरबेस पर देखिए जब हमला किया गया, यूक्रेन छोड़कर जब लोग भाग रहे हैं, जब हमले के बाद लोग सोचे कि अब हमारी जिंदगी सलामत रहेगी कि नहीं, यहाँ पे क्या मैं यहाँ पर जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं, तो यूक्रेन को लोग वहां से निकल पड़े। एयरपोर्ट की तस्वीर, एयरपोर्ट पर इसीलिए कहा गया कि लोग ना आए, कई उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया, भारत की तरफ से जो उड़ाने जा रही थी उसे भी रोक दिया गया, क्योंकि आसमान में कब वहां पर हमले हो जाए कोई नहीं जानता। पावर प्लांट में जब हमला किया गया, पुतिन ने जो जंग छेड़ी है उसी जंग के ये निशान है, उसी जंग की ये तस्वीरें। रिहायशी इलाकों को देखकर अंदाजा आप लगाइए, जब ये रॉकेट लॉन्चर उन रिहायशी इलाकों में गिरा तो कई लोगों की मौत हो गई, 300 लोगों की तो अभी तक खबर आई मौत की, लेकिन ये संख्या अभी बढ़ेगी जैसे जैसे दिन ये आगे बढ़ता चला जाएगा। लगातार अन्य देश अपील ये कर रहे हैं, देखिए कीव की तस्वीर, जब पुतिन ने जंग छेड़ी किस तरह से सबसे पहले हमला किया गया यहां पर, उसके बाद वहां पर रोशनी दिखाई दी, अंदाजा लग गया कि रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पर, फिर सभी देशों ने हस्तक्षेप करना शुरू तो किया, लेकिन बीच बचाव करने के लिए वहां पर कोई नहीं है, क्योंकि रूस ने पहले ये चेतावनी दे दी कि जो बीच में आएगा उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, इसीलिए अभी तक अन्य देश ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नाटो देश का ये कहना कि वो एक साथ मिलकर अब सैन्य कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब ये देखने वाली बात। पुतिन ने जंग छेड़ी, ये जंग की तस्वीरें, खार्किव में किस तरह से हमला हुआ, धमाके की तस्वीर आप देखिए, इस गोले के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले यही तस्वीर आई जो हमने आपको दिखाई। ओडिशा में किस तरह से हमला किया गया, वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, और ये हमला केवल इसीलिए क्योंकि रूस नहीं चाहता कि नाटो देश में यूक्रेन शामिल हो। अगर यूक्रेन ये बात अपनी तरफ से कह देता तो शायद आज ये ऐसे हालात नहीं बनते। युद्ध की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आप नहीं देख रहे होते। मारियूपोल की तस्वीरें आप देखिए, मलबे के निशान वहां पर, और ये जख्म, ये बहुत कुछ कहते हैं। रूस पर प्रतिबंध कौन से देश, अब क्या आप कह रहे हैं, रूस को पश्चिमी देशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर रोक अब लगा दी गई। रूस के दो बड़े वित्तीय संस्थानों वीईबी और सैन्य बैंक पर प्रतिबंध अब लगाया गया। अमेरिका में रूस के शीर्ष राजनयिकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कड़ा, देखिए आप। और उसके बाद ब्रिटेन में रूस के 5 बैंकों और 3 अरबपतियों के खिलाफ पाबंदी अब लगा दी गई है, जो वहां पर बैंक है उस पर देखिए किस तरह से शिकंजा है। रूसी अरबपतियों की ब्रिटेन में संपत्तियों को भी फ्रीज अप किया जाएगा, ये कदम उठाया ब्रिटेन ने। उसके आगे जर्मनी ने भी कदम उठाया। अब किसमें कितनी ताकत है ये लगातार सुबह से इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन तो आप जानते हैं पहले से ही ताकतवर नहीं है। कुल जहाज की हम बात करें, रूस के पास 4,173, यूक्रेन के पास 318। ये सैन्य ताकत, सैन्य क्षमता दोनों देशों की क्या क्या है। जंगी जहाज की हम बात करें, रूस के पास 772, यूक्रेन के पास 73। ये संख्या बहुत कम है यूक्रेन के पास, इसीलिए यूक्रेन अब हथियार अब डालने लगा है। रूस के पास 544 है लड़ाकू हेलीकॉप्टर, तो यूक्रेन के पास है 34। वही अगर हम टैंक की बात करें तो रूस के पास 12,420, तो यूक्रेन के पास 2,596। ये आंकड़ा समझिए आप, बहुत ज्यादा कम है।
रूस सैनिकों की हम बात करें तो 8.5 लाख रूस के पास, कुल जहाज की बात हम कर रहे हैं तो ये संख्या बहुत कम यूक्रेन के पास। इसीलिए यूक्रेन सूत्र ये बता रहे हैं कि हथियार अब डालने लगा है, यूक्रेन अपने कदम पीछे करने लगा है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि अभी ये जानकारी सूत्रों से आ रही है, सुबह तक जो यूक्रेन ये कह रहा था कि हम अपने कदम पीछे नहीं करने वाले, हम लड़ाई ये लड़ेंगे आखिरी सांस तक, तो क्या यूक्रेन ने मान लिया कि हमारी सांसें बचेंगी ही नहीं अगर हम इस जंग में अगर हम लगातार इसी तरह बढ़ते चले गए तो? किस में कितनी ताकत, सैनिकों की हम बात कर रहे हैं। और ये अगर रूस यहां पर जीत गया तो रूस जो दर्शाना चाहता पूरे विश्व के सामने कि हम सुपर पावर वाले देश हैं, हमारे पास वो ताकत है जो किसी और के पास नहीं है, उसमें तो रूस अब कामयाब हो जाएगा। अपनी सुपर पावर वाली इमेज को बरकरार रखने के लिए कहा जा रहा है कि रूस ने ऐसा कदम उठाया, और इसीलिए अन्य देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रूस के पास वाकई में सैन्य ताकत की हम बात करें या मिसाइलों की हम बात करें, वो सब कहीं ज्यादा अन्य देशों की अपेक्षा। तो अफरा तफरी का भी माहौल है। यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया कि हमने लुहांस में 5 रूसी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन ने यह भी कहा कि हम पर 3 तरफ से हमला किया गया, रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है। लुहांस, खार्किव, चेर्निव सुमी और जेटोमीर इलाकों पर हमले लगातार अभी जारी हैं। यूक्रेन